हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुछ भी सीखो विद तनवीर। आज इस टेबल मैट का सेकंड पार्ट लेके आए। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आज सेकंड पार्ट में बाकी का काम बताने वाले हैं। सबसे पहले तो इसके लिए एक लाइक कर दें। देखिए, अगर आप बिगनर हो तब भी इस टेबल मैट को आसानी से बना सकते हो। देखिए, आपको करना क्या है, आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है, क्योंकि उसको मैंने हर रो डिटेल के साथ बनाना बताया है। देखिए, अगर आपको मेरी डिज़ाइन जरा सा भी अच्छी लगती है तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, इस टेबल मैट को आप दो तरह से बना सकते हैं। एक देखिए आउटलाइन वाला, एक ये बिना आउटलाइन वाला। इसका डायमीटर देखिए। देखिए, ये टेबल मैट बहुत बड़ा है। देखिए, ये आपको इसका पूरा डायमीटर दिखाते हैं नाप के। ये 25.5 इंच है, 25.5 इंच। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने 20 रो तक कम्प्लीट कर लिया था, आज 21वां रो स्टार्ट करेंगे। और अब इसमें एक स्लिप स्टिच बना के अब ये दो चेन स्पेस में भी एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। यहाँ 1 2 3 चेन बना के इसी में एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, यानी कि 3 चेन को काउंट करेंगे तो ये भी एक डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब 2 चेन बना के अब ये 2 चेन स्पेस में ये हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये वाला देखिए, ये स्किप करना है, ये हमें यहाँ नहीं बनाना है। अब यहाँ से हमारी दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट है। ओके, यहाँ से हम 2 चेन बना के इसमें हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एंड ये 7। ये 7 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए, यहाँ से फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। 2 चेन बना के अब देखिए ये स्किप करना है, ये वाला ब्लॉक जो है वो स्किप करना है। इसमें हम इस वाले देखिए, ये देखिए इस साइड से ये स्किप करते जाना है। अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन चेंज होगी तो ये यहाँ से स्किप करेंगे और ये हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले 2 चेन स्पेस में। अब इस 2 चेन स्पेस में इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि यहाँ हमें सभी 2 चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। सिर्फ बीच में जो हमने वी स्टिच बनाया सिर्फ वहाँ नहीं बनाना है। फिर 2 चेन बनाएंगे और इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और देखिए अब इसमें हमको 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाना है इसमें। अब ये वी स्टिच है, ये देखिए यहाँ से देखिए हमारी डिज़ाइन चेंज होती है। तो ये देखिए यहाँ से हमारी अब सिर्फ ये देखिए यहाँ हमने इतने पे बना लिया, इस पे हम बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया। ये देखिए दूसरे वी स्टिच में हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसी तरह यहाँ 2 चेन बना के ये स्किप करके इसमें 2 डबल क्रोशिया और ये यहाँ तक बनाते हुए लाएंगे, फिर यहाँ तक बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 में हम बनाएंगे, 5 ब्लॉक में बना के और फिर 2 चेन बना के इसमें 7 डबल क्रोशिया, यानी 21वां रो हमें इस तरह कंप्लीट करना है। तो पूरा 21वां रो हम इस तरह कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर दिखाते हैं। ये देखिए 21वां रो पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट में हमने 2 चेन बना लिया है। 2 चेन बनाने के बाद देखिए हम जो है ये तीसरे वाले चेन से यहाँ स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे। ये देखिए अब देखिए इसमें भी स्लिप स्टिच बना लेंगे और ये 2 चेन स्पेस में भी स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब यहाँ 1 2 3 3 चेन बना के इसी में 1 डबल क्रोशिया। ओके, तो ये वाला स्किप करना है। अब ये 7 डबल क्रोशिया है, इस पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 1 चेन का स्पेस देंगे। ओके, तो यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। ये देखिए अब यहाँ को ओवर करेंगे, फर्स्ट वाले चेन पे क्रोशिया डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 चेन बनाएंगे। अब फिर अब ये सेकेंड वाला चेन है, इस पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे। अब ये थर्ड वाला चेन है, इस पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे। फोर्थ वाला चेन है, इस पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे। ये फिफ्थ वाला चेन है, इस पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे। ये सिक्स वाला चेन है, इस पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे। ये सेवन्थ वाला, ये सातवां चेन है, इस पर भी 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 चेन बना के 1 1 डबल क्रोशिया सभी पर बना लिया। ओके, अब यहाँ से हम फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। 2 चेन बना के ये जो 2 चेन स्पेस है ये यहाँ पर हमें नहीं बनाना है अभी, इस 2 चेन स्पेस में ये हम
स्किप करके इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमको एक ब्लॉक जो है स्किप कर देना है, इस साइड भी इस साइड भी, क्योंकि यहाँ पर हमारी दूसरी डिज़ाइन बन रही है। ओके, फिर दो चेन बनाएंगे, एक एक दो, दो चेन बना के इसमें दो डबल क्रोशिया, एक और दो, सॉरी दो चेन बनाएंगे, दो चेन बना के इसमें दो डबल क्रोशिया, यानी फिर दो चेन बना के इसमें दो डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे और इस वाले दो चेन स्पेस में दो डबल क्रोशिया, एक और दो, एक और दो, दो चेन बनाएंगे। देखिए बीच में चार टाइम हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाया। ओके, और दो चेन बना के फिर इसमें सेम वही करेंगे, सभी सातों डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक चेन का स्पेस देंगे, एक चेन बनाएं, एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना के सेकेंड वाले पर भी एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे थर्ड वाले पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम सातों डबल क्रोशिया पर बनाएंगे। ये देखिए एक चेन एक डबल क्रोशिया, सातों डबल क्रोशिया पर हमने बना लिया। अब यहाँ पर हम दो चेन बना के अब ये स्किप कर देंगे ये वाला। अब इस दो चेन स्पेस में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यानी कि 22वां रो हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। ये देखिए हमने 22वां रो पूरा कंप्लीट कर लिया है, लास्ट में हमने दो चेन बना के, अब देखिए यहाँ तीसरे वाले चेन से यहाँ स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये स्लिप स्टिच बना लिया, अब देखिए इसमें भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ दो चेन है दोनों पर एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, इस पर भी और इस पर भी, और ये एक चेन स्पेस है इस पर भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब देखिए यहाँ जितने डबल क्रोशिया, सात डबल क्रोशिया, सातों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन का स्पेस है तो अब हम यहाँ दो चेन का स्पेस देंगे। अब बीच में हम दो चेन बनाएंगे, तो सबसे पहले बनाएंगे तीन चेन और तीन चेन को काउंट करेंगे तो एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ बीच में हमको दो चेन का स्पेस देना है, एक और दो, दो चेन का स्पेस दे के इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये चेन है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ओके, फिर दो चेन बनाएंगे, दो चेन बना के ये तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे इस चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे पांचवे वाले डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे फिर छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे ये लास्ट वाला सातवें पर एक डबल क्रोशिया। ओके, अब यहाँ हम दो चेन बना के एक और दो, दो चेन बना के अब देखिए इस दो चेन स्पेस में नहीं बनेगा, ये स्किप करके यहाँ से दो डबल क्रोशिया, ये देखिए फिर दो चेन बना के इस दो चेन स्पेस में दो डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बना के इस दो चेन स्पेस में दो डबल क्रोशिया। अब ये दो चेन बनाएंगे, अब यहाँ पर फिर सेम वही करना है, ये स्किप कर देना है, देखिए ये स्किप करके डायरेक्ट इस वाले डबल क्रोशिया पे बनाएंगे, यहाँ एक डबल क्रोशिया और दो चेन बना के फिर ये डबल क्रोशिया दूसरे वाले पर, इस पर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे, ये तीसरा वाला डबल क्रोशिया है इस पर एक डबल क्रोशिया, इसी तरह हम सातों डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। ये देखिए 23वां रो पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब 23वां रो कंप्लीट कर लिया, अब देखिए हम कैसे बनाएंगे। ये हमने लास्ट में दो चेन बना लिया है, अब देखिए एक दो, ये तीसरे वाले चेन से, तीसरे वाले यहाँ हमने पांच चेन बनाया था, तीसरे वाले चेन से स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम बनाएंगे तीन चेन, एक दो तीन, तीन चेन को काउंट करेंगे तो एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमको बनाना है वी स्टिच, एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया, तो एक चेन ये गैपिंग के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास चार चेन हो गए। चार चेन बनाने के बाद इसी जिसमें हमने स्लिप स्टिच बनाया जिस चेन में, उसी में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, अब बनाएंगे दो चेन, दो चेन बनाने के बाद अब दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, देखिए इस वाले पर, इस वाले पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, यानी बीस स्टिच बनाना है, एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया। ओके, फिर दो चेन बनाएंगे, दो चेन बनाने के बाद इसके ऊपर भी वी स्टिच, एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे, अब इस पे हमारे पास सात डबल क्रोशिया, सभी पर हम वी स्टिच बना लेंगे। ये ऐसे करें,
के बन के आया। ओके, अब यहाँ से दो चेन बनाएंगे, एक और दो, दो चेन बनाएंगे यहाँ, इसमें दो डबल क्रोशिया और फिर दो चेन बना के इस वाले पर दो डबल क्रोशिया, एक इस पे और एक इस पे। अब दो चेन बना के फिर सेम वही करना है, हर डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ सात डबल क्रोशिया, सातों के ऊपर वी स्टिच बनाना है, एक डबल क्रोशिया एक चेन एक डबल क्रोशिया। ये हमारे पास 24वां रो हमको इसी तरह कंप्लीट करना है, तो हम पूरा 24 दो चेन बनाएंगे फिर इसके ऊपर वी स्टिच, तो पूरा 24 रो हम इस तरह कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए 24वां रो पूरा कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में देखिए, लास्ट में हम जो है यहाँ पे स्लिप स्टिच, हम तीसरे वाले चेन से एक दो, ये तीसरे वाले चेन से यहाँ हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब एक चेन स्पेस में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, यहाँ एक दो तीन, तीन चेन को काउंट करेंगे तो एक डबल क्रोशिया, एक चेन गैपिंग के लिए फिर इसी में एक डबल क्रोशिया, यानी यहाँ पर हमको वी स्टिच बनाना है, वी स्टिच पे वी स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ हम गैपिंग के लिए तीन चेन देंगे, अगर आपका लूज़ है तो आप दो चेन बनाएं। ओके, यहाँ पे हम तीन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया एक चेन एक डबल क्रोशिया, यानी वी स्टिच पर वी स्टिच बनाएंगे। फिर यहाँ हम तीन चेन बनाएंगे और तीन की जगह अगर आपको लूज आ रहा है तो दो चेन बना लें, अब वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच, एक डबल क्रोशिया एक चेन फिर एक डबल क्रोशिया, एक दो तीन और वी स्टिच पर वी स्टिच, एक डबल क्रोशिया एक चेन फिर एक डबल क्रोशिया, एक दो तीन, एक डबल क्रोशिया एक चेन फिर एक डबल क्रोशिया, यानी 25वां रो हमें इसी तरह बनाना है, और दो या तीन चेन और वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच, एक दो, दो चेन बना के इसमें दो डबल क्रोशिया, एक और दो। अब लास्ट में सिर्फ यही एक बचेगा, सिर्फ इसमें दो डबल क्रोशिया बनाना, फिर दो दो चेन बना के फिर ये वी स्टिच में वी स्टिच बनाना है। 25वें रो पे ये वाली डिज़ाइन हमारी यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगी, ये डिज़ाइन यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए 25वां रो पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम इसको हम जो है दो चेन बना के इसमें हम एक स्लिप स्टिच, चौथे वाले तीसरे वाले चेन पे एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए अब ये एक चेन स्पेस में भी एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब यहाँ से ये लास्ट रो है हमारा, ये लास्ट रो है, हम यहाँ पहले बनाएंगे तीन चेन, एक दो तीन, तीन चेन को काउंट करेंगे तो एक डबल क्रोशिया, इसी में हम इसमें बनाना है पांच डबल क्रोशिया, तो एक हो गया, दो दो तीन चार एंड ये पांच, पांच डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे बनाएंगे छः चेन, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन बनाने के बाद ये फर्स्ट वाला चेन जो है ये इस चेन पे डालेंगे, इस साइड से जो चेन है इसमें डाल के ये लूप इस साइड हम निकाल लेंगे, ऐसे करके यहाँ से एक चेन पहले बना के अब इसमें हम 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब ये पांच डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन, पांच चेन बनाने के बाद ये फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है ये फर्स्ट वाले चेन पे क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से ये लूप यहाँ निकाल देंगे, एक चेन बना लेंगे यहाँ से, एक चेन बनाने के बाद इसमें हम बनाएंगे 9 सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये 9 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब दूसरा ये वाला वी स्टिच, इसमें हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया, फिर एक दो
तीन, चार, पाँच, पाँच डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर सेम वही करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन बनाने के बाद ये फर्स्ट ये वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर ये चेन है, इस चेन में क्रोशिया डाल के ये लूप हम यहाँ से निकाल देंगे। एक चेन बना के इसमें नौ सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये नौ। अब इस वाले बी स्टिच पे पांच डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम सभी बी स्टिच पे ये पैटर्न रेडी कर देंगे। ये देखिए सभी बी स्टिच पर हमने देखिए ये बना लिया। अब देखिए यहाँ पर जो है ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन अब यहाँ से फिनिश्ड हो जाएगी। अब ये फिनिश्ड हो जाएगी, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ कुछ नहीं बनाना हमें, अब डायरेक्ट हमको क्या करना है, यहाँ से यार्न को ओवर करेंगे, इसमें हम पाँच डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, इसमें बनाने के बाद हम यहाँ से बनाएंगे पाँच डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार एंड ये पाँच, पाँच डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन बना के सेम वही करेंगे, इस वाले चेन पर हम ये लूप यहाँ से निकाल के एक चेन बनाएंगे और इसमें नौ सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, फिर इसमें पांच डबल क्रोशिया, एक दो। तो इसी तरह हमें पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है, लास्ट वाला राउंड हम इसी तरह बनाएंगे। देखिए लास्ट वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब देखिए इसको लास्ट में हम इसे ऐड कैसे करेंगे, ये देखिए लास्ट वाला जो ये आठ सिंगल क्रोशिया बना लिया, नवा सिंगल क्रोशिया के ये दो लूप हमने इसको ऐसे ही रहने दिया, सिर्फ लूप निकाल के ऐसे रहने दिया। अब इसको ऐड हम ये दो लूप के साथ करेंगे, या इसके देखिए ये यहाँ से एक दो, ये तीसरा वाला जो चैन है ये देखिए, इस चैन से जिसमें से हमने ये लूप निकाला था, इस चैन पे क्रोशिया डालेंगे, यहाँ से ये लूप निकाल के ये ऐसे करके ये स्लिप स्टिच ये ऐसे बनाएंगे। ओके, ये देखिए जैसे ये यहाँ से ये ऐड है, इसी तरह ये भी ऐड है। अब एक चैन बना के ये इसको यहीं से हम कट कर देंगे। ये देखिए इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। अब देखिए इसमें वाइट से हम जो है आउटलाइन बनाएंगे, ये जो जाली है यहाँ से आउटलाइन हम बनाएंगे। तो ये हमने वाइट ऊन ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट देखिए हम क्रोशिया में ऐसे करके ऐसे लेंगे और एक बल दे के एक लूप यहाँ से निकाल के स्टील को टाइट कर देंगे, ये स्लिप नॉट हो गया। इस तरह हम स्लिप नॉट लगाने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ एक चैन स्किप किया है, ये दूसरे रो पे देखिए ये एक चैन जो स्किप किया, ये देखिए एक दो दूसरा रो पे हमने ये चैन स्किप किया, इसमें क्रोशिया डालेंगे, क्रोशिया डाल के ये एक लूप यहाँ से निकाल के बनाएंगे, एक दो, दो चैन बनाने के बाद तो देखिए इसमें हम बनाएंगे ये वाले इस पे, इस चैन पे बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक और दो, दो चैन बनाने के बाद देखिए इसके ऊपर ये चैन है, इसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, एक दो, दो चैन बनाने के बाद इसके ऊपर ये चैन है, इसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। तो पूरे देखिए हम यहाँ से यहाँ तक इसी तरह ऐसे करके ये ऐसे बनाते हुए पूरा हम यहाँ तक बना लाएंगे, जहाँ हमारे तीन डबल क्रोशिया है यहाँ तक हम पूरा बना लाएंगे, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक बनाने के बाद अब देखिए हम फिर एक दो चैन बनाएंगे, एक और दो, दो चैन बनाएंगे, देखिए यहाँ सबसे ऊपर जो एक डबल क्रोशिया है, देखिए ये एक डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर देखिए जो एक डबल क्रोशिया है इस चैन पे, देखिए इस चैन पे क्रोशिया डालेंगे, इसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, ऐसे बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, एक दो, दो चैन बनाने के बाद देखिए इसको इस साइड पलटेंगे, इस साइड पलटेंगे, देखिए हमारी डिज़ाइन यहाँ से देखिए ये डिज़ाइन, ये देखिए ये यहाँ, तो इसमें अब देखिए ये इस चैन स्पेस में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, एक दो, फिर
इसमें एक सिंगल क्रोशिया। देखिए हम आपको दिखाएं, ये देखिए ये ऐसे, अब ऐसे करके ये ऐसे यहाँ तक बना के लाएंगे। देखिए हम यहाँ से यहाँ तक बना लाए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम दो चैन बना के इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम पहले बनाएंगे दो चैन, एक और दो, दो चैन बना के इस वाले चैन पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक और दो, दो चैन बना के अब उसके नीचे एक सिंगल क्रोशिया। तो हम पूरा यहाँ नीचे तक बना लेते हैं, फिर उसके आगे दिखाते हैं। ये देखिए पूरे में यहाँ से यहाँ तक बना के लेके आए हैं। अब लास्ट वाला देखिए, लास्ट में हम दो चैन पहले बनाएंगे, एक और दो, अब दो चैन बनाएंगे। अब देखिए जो ये चैन है, इस चैन में क्रोशिया डालेंगे, यहाँ से बनाएंगे एक स्लिप स्टिच, एक चैन बना के इसको हम यहीं से कट कर देंगे। अब देखिए ये एक बना लिया। अब हमको ये ऐसे करके, ये ऐसे बनाते हुए ये ऐसे लाना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए ये वाला चैन है, इस चैन में क्रोशिया, पहले इस चैन में क्रोशिया डालेंगे, फिर देखिए इसमें क्रोशिया डाल के ये लूप जो है ये स्लिप नॉट लगा लेंगे, स्लिप नॉट ऐसे करके यहाँ से एक निकाल लेंगे ऐसे, और एक और दो, दो चैन बना के ये देखिए ये ऊपर की साइड ले जाके एक सिंगल क्रोशिया, एक और दो, ये ऊपर की साइड ले जाके एक सिंगल क्रोशिया। तो ये हम जैसे हमने इसको बनाया है, जैसे हमने इसको बनाया है, सेम इसी तरह इसको हम यहाँ पर ला के इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर जो चैन है इस पर एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर दो चैन बना के इस साइड से हम बनाते हुए लाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फिर यहाँ पे लाएंगे। जैसे हमने इसको यहाँ पे बना ऐड किया, उसी तरह ये यहाँ पे एक चैन है इसमें से ऐड करके यहाँ यहीं पर कट कर देंगे। फिर यहाँ से फिर हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो पूरा हम इसी तरह आउटलाइन इसमें हम कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए लास्ट वाला, देखिए यहाँ से स्टार्ट करके ये देखिए ये ऐसे लिया है। अब इसको हमें यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पहले दो चैन बनाएंगे, एक और दो, दो चैन बनाने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ से ऐसे करके डाल के देखिए जैसे इस चैन पर ये चैन पे क्रोशिया डाल के यहाँ से ये देखिए ऐसे करके निकालेंगे, ये एक स्लिप स्टिच बना के ये यहीं से हम उनको कट कर देंगे। अब देखिए इस चैन में क्रोशिया डाल के ये वाला थ्रेड हम जो है इस साइड निकाल लेंगे। अब देख, अब यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर इधर इस चैन में क्रोशिया डाल के इसको हम नीचे की साइड कर लेंगे, नीचे की साइड करके अब इसको हम इस, अब देखिए यहाँ बीच के लिए फ्लावर बनाएंगे। यहाँ के सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम छः चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन बनाने के बाद ये फर्स्ट वाला जो चैन है इससे हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। ओके, अब यहाँ से हम बनाएंगे तीन चैन, एक दो तीन, तीन चैन को काउंट करेंगे तो एक डबल क्रोशिया। अब इस रिंग में हमें 24 डबल क्रोशिया बनाना है। एक हो गया, यार्न को ओवर करके इस रिंग में क्रोशिया डाल के मैं दो तीन को काउंट करा तो एक हो गया, ये दो, दो तीन चार, तो इस रिंग में हम 24 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए 24 डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए एक दो, ये तीसरा वाला जो ऊपर वाला चैन है इससे हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब यहाँ से बनाएंगे एक दो तीन, तीन चैन बनाने के बाद अब इसके बगल वाला जो इसके बगल में इस ये चैन है इसमें हम क्रोशिया डाल के तीन बार हम दो दो लूप से निकालेंगे, यानी तीन टुगेदर डबल क्रोशिया बनाना है। दो लूप से निकालेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर इस तरह क्रोशिया डालेंगे, फिर हम दो लूप से निकालेंगे, फिर हम तीसरी बार क्रोशिया डालेंगे, हम फिर दो लूप से निकालेंगे। अब यहाँ चार लूप है, चारों को एक साथ निकाल देंगे, एक दो तीन, तीन चैन बना के अब ये
इसके बगल वाले चेन पर इसमें बना लेंगे एक स्लिप स्टिच। ये फिर हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। फिर इसमें अब इसके बगल वाले चेन पे इसमें तीन टुगेदर डबल क्रोशिया बनाना, एक दो तीन। चार लूप हैं, चारों को एक साथ निकाल लेंगे। फिर एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद इस चेन पर एक स्लिप स्टिच। एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद अब इसके बगल वाले चेन पर फिर तीन टुगेदर, एक दो, तीन टाइम दो दो टाइम लूप से निकालना है, तीन। चार लूप में चारों को एक साथ निकाल लेंगे। फिर एक दो तीन, तीन चेन बना के अब ये इस चेन पे बगल वाले चेन पर एक स्लिप स्टिच। इसी तरह हम पूरे राउंड में बना लेंगे, एक दो तीन। ये देखिए हमने सभी पर बना लिया, लास्ट में हमने तीन चेन बनाया, जो ये देखिए यहाँ पे तीन चेन बनाया, इसमें हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, इसी में एक हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब यहीं से ये ऊन हम कट कर देंगे, ऊन को थोड़ा लंबा कट करेंगे क्योंकि इसमें हमें सिलाई करना है। अब देखिए ये जो कटा हुआ धागा है ये बीच में हम यहाँ पर इसे हम इसी में फंसा देंगे, सब ऐसे करके इसमें हम डाल के ऐसे करके ये इस कटे वाले धागे को इस तरह हम इस तरह सभी धागे को इस तरह हम निकाल लेंगे। ये देखो बीच में धागा फंसाने के बाद हमने इसको कट कर दिया है। अब देखिए इसको हम सेंटर से रख के इसमें यहाँ पे हम टाके लगा देंगे, ऐसे करके ऐसे पकड़ के इसको हम बीचों बीच में रख के इस तरह करके हम टाके लगा देंगे। अब देखिए इसकी ये सभी पत्तियाँ जो है इस लाइन से ऐड कर देंगे, ये आउटलाइन बनाया उससे हम ऐड कर देंगे। ये देखो ये फ्लावर ऐड कर लिया। ये देखिए यहाँ पर आउटलाइन बनाएंगे तो देखिए इस चेन पे क्रोशिया डालेंगे, इस पे क्रोशिया डालेंगे और इस वाले चेन पे, दोनों में क्रोशिया डाल के ये स्लिप नॉट बनाया। पहले हम ये लूप इस यहाँ से निकाल लेंगे, देखिए ये यहाँ से निकालने के बाद एक चेन बनाएंगे, ये एक और दो। दो चेन बनाने के बाद देखिए ये इसके नीचे ये वाला चेन है, ये इस पर, ये इस पे क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया। फिर एक दो, दो चेन बनाएंगे, फिर इसमें डाल के एक सिंगल क्रोशिया। तो हम ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम बना के लाते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बना लाए। अब देखिए ये जो वी स्टिच है इसमें क्रोशिया डाल के, देखिए ये वाले में इसमें क्रोशिया डाल के यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे बनाने के बाद देखिए इसको हम इस साइड कर लेंगे। इस साइड करने के बाद अब देखिए इसमें इसी में अब ये देखिए इधर से ये ऐसे करके इधर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और दो, दो चेन बना के फिर ये अब इस साइड यहाँ से ये ऊपर की साइड ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ से देखिए यहाँ तक बनाते हुए लिया है। अब देखिए इसको हम देखिए ऐसे करेंगे और ये ऐसे करने के बाद देखिए हम पहले जैसे इस वाले चेन पे क्रोशिया डालेंगे, फिर इसमें क्रोशिया डालेंगे, ये इसमें क्रोशिया डाल के यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद देखिए एक दो, ये तीसरे वाले चेन पर ये क्रोशिया डालना है और इधर से देखिए ये एक दो, ये तीसरे वाले चेन पर एक दो, ये तीसरे वाले चेन पर ये क्रोशिया डालना है। ये देखिए पहले इसमें क्रोशिया डालेंगे और फिर देखिए ये तीसरे वाले चेन पर इसमें क्रोशिया डालेंगे। इसमें क्रोशिया डाल के ये लूप जो है हम ऐसे करके ये निकाल लेंगे,
ये एक चेन बना लेते हैं। अब देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया, ये सिंगल क्रोशिया इस पर बनाया था, इसमें क्रोशिया डाल के ये देखिए इसको लॉन्ग करके दो लूप से निकाल लेंगे और इसको हम तीन टाइम करेंगे, फिर क्रोशिया इसी में डाल के फिर दो लूप से निकालेंगे, फिर क्रोशिया को इसी में डाल के फिर दो लूप से इसी में से निकालेंगे, चार लूप है, चारों को एक साथ निकालेंगे, एक दो ये तीन, तीन चेन बनाने के बाद इसमें एक स्लिप स्टिच, ओके, फिर एक दो, दो चेन बना के फिर सेम ऐसे हम ये इसमें एक सिंगल क्रोशिया, एक दो, फिर नीचे ये सिंगल क्रोशिया। अब देखो इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे बनाते हुए लाएंगे, पहले हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस साइड एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे बनाते हुए ले जाएंगे, यहाँ इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना के तीन चेन बना के एक दो ये तीसरे वाले चेन पे या इसमें क्रोशिया डालेंगे, यहाँ पर भी एक दो ये तीसरे वाले चेन पे ये क्रोशिया डालेंगे, ये ऐसे करके ये ऐसे क्रोशिया डालना है और क्रोशिया इस साइड से डालेंगे, इस साइड से डाल के एक चेन बना के फिर हम इसमें एक पफ पफ स्टिच बना लेंगे एक। ये देखिए हमने पूरे राउंड में ये पूरा बना लिया, ये देखिए पूरे में हमने ये बना लिया, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से बनाते हुए, अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ तक लेके आ गए हैं, अब लास्ट में देखिए कैसे बनाना है, एक दो, दो चेन बनाने के बाद देखिए अब ये जिसमें हमने ये सिंगल यहाँ पे हमने बनाया था सिंगल क्रोशिया, इसमें हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ से देखिए एक दो ये तीसरा वाला चेन पे ये क्रोशिया डालेंगे और देखिए ये यहाँ से देखिए एक एक दो तीन, तीसरे वाले चेन पे ये क्रोशिया डालेंगे, ये क्रोशिया डालने के बाद देखिए इस लूप को हम ऐसे निकाल के एक चेन बना के, एक चेन बना के ये देखिए हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें हम क्रोशिया डाल के इसको तीन टाइम हम दो दो लूप से निकालेंगे, एक दो तीन, चार लूप हैं, चारों को एक साथ निकाल के एक दो तीन और इसी में हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब यहाँ से हम ये ऊन कट कर देंगे। ये देखिए टेबल ये थार पोस्ट कंप्लीट है। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।